फ्रेंड्स, मैं हूं शायन एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आजकल व्हाट्सएप हम लोगों के लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहां पे तो व्हाट्सएप एक बहुत ही पॉपुलर ऐप बन चुका है, एक कल्चर बन चुका है, एक मूवमेंट बन चुका है। और व्हाट्सएप पिछले कई दिनों से, कई सालों से अगर हम कहें तो इतनी अच्छी बिजनेस कर रहा है व्हाट्सएप की, इतनी अच्छी यूजर बेस हो चुका है कि आखिरकार फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स बताने वाला हूं, जो कि अगर आप एक व्हाट्सएप यूजर है तो आपको जान लेना चाहिए। फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को पता है कि व्हाट्सएप अपना लॉन्च होने से कुछ ही दिन के अंदर में ही अपना 1 बिलियन डाउनलोड का जो मार्क है गूगल प्ले स्टोर के अंदर में, उसे कंप्लीट कर लिया था। और वहां पे व्हाट्सएप का सीईओ और व्हाट्सएप का जो को फाउंडर है जैन कुम, उन्होंने ये कहा था कि तभी जो है व्हाट्सएप के अंदर में सिर्फ 5 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, जिसका मतलब यह है कि आपके कंपनी के अंदर में कितना एम्प्लॉयज है यह मायने नहीं रखता है, बल्कि यह मैटर करता है कि उन एम्प्लॉयज में से कितने लोग काबिल है, कितने लोग स्मार्ट है। फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को पता है कि व्हाट्सएप के को फाउंडर्स जैन कोम और ब्रायन एक्टन, ये दोनों पहले याहू के लिए काम करते थे। याहू छोड़ने के बाद ये दोनों ने फेसबुक और ट्विटर के लिए अप्लाई किया था, और दोनों के दोनों ही जो है रिजेक्ट हो गया था। और इसके बाद ये दोनों को फाउंडर्स जो है अपना फुल टाइम व्हाट्सएप के लिए इन्वेस्ट किया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर वो इंटरव्यू कुछ उल्टा होता तो यहाँ पे शायद हम लोगों को व्हाट्सएप कभी भी नहीं मिलता। यहाँ पे फ्रेंड्स, व्हाट्सएप के बारे में अगला अननोन फैक्ट ये है कि व्हाट्सएप को यूज करके आप अपने वीडियोस या फिर फोटोज को जो है कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, हालांकि आप लोगों को इंटरनेट के ऊपर कई सारे कंप्रेसर सॉफ्टवेयर जो है मिल जाते हैं, लेकिन वो उतना ठीक तरह से काम नहीं करता है, और जो काम करता है वो जो है पेड है, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली जो है आपके फोन के अंदर में स्टोर किया गया इमेजेस या फिर वीडियोस को आप व्हाट्सएप के जरिए किसी सेंडर को भेज दीजिए, और उसके बाद आपके फोन के स्टोरेज के अंदर में जाके व्हाट्सएप का जो व्हाट्सएप मीडिया फाइल्स का फोल्डर है, वहां से अपने फोटोज और वीडियोस को रिट्रीव कर लीजिए। और फ्रेंड्स, जो ओरिजिनल फोटोज और वीडियो फाइल्स था उसे डिलीट कर दीजिए, आपके फोन के अंदर की स्टोरेज स्पेस बच जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है कुछ हद तक क्वालिटी लॉस होने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला अननोन फैक्ट व्हाट्सएप के बारे में ये है कि ये तो अब सभी लोगों को पता है कि व्हाट्सएप जो है हम लोग यूज करते हैं हम लोगों के फोन नंबर के जरिए, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि व्हाट्सएप हम लोगों के अकाउंट को कैसे मेंटेन करता है या फिर कैसे क्रिएट करता है? यहाँ पे फ्रेंड्स, व्हाट्सएप जो है हम लोगों के फोन नंबर @s.whatsapp.net बोल के फॉर्म में हम लोगों के डेटा को जो है स्टोर करता है या फिर हम लोगों के अकाउंट को मेंटेन करता है। यहाँ पे फ्रेंड्स, व्हाट्सएप जो है एक ओपन मैसेजिंग स्टैंडर्ड XMPP का इस्तेमाल करता है, जो कि कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर जैबर के लिए पहली बार तैयार किया गया था। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगला चीज ये है कि व्हाट्सएप तो हम लोग हमारे फोन में यूज करते हैं, लेकिन हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि व्हाट्सएप का जो है एक वेब प्रोटोकॉल है, एक वेब बेस्ड वर्जन भी है। यहाँ पे अगर आपके फोन के अंदर में व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है या फिर आप व्हाट्सएप जो है इस्तेमाल करते हो, तो आप आपके फोन के अंदर में ब्राउजर में जाके सर्च बार के अंदर में whatsapp:// send?text equals to hello लिख के जैसे ही एंटर मारते हो, तो व्हाट्सएप आपसे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके कॉन्टैक्ट्स के बारे में पूछने लगेगा कि आपको जो है कौन से सेंडर को ये मैसेज भेजना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो इस हेलो को जो है आपके कस्टमाइज्ड वर्ड्स या फिर टेक्स्ट से जो है रिप्लेस कर सकते हो, और ये जो है एक मैजिक ट्रिक है, इसे आप मैजिक दिखाने के लिए आपके फ्रेंड्स फैमिली को जो है दिखा सकते हो। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगला अननोन फैक्ट व्हाट्सएप के बारे में ये है कि व्हाट्सएप के अंदर में जब भी हम किसी को मैसेजेस भेजते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है कि मैसेजेस कब डिलीवर हुआ है, कब जो है रीड हुआ है। मतलब जैसे ही मैसेजेस डिलीवर होते हैं तो हम लोग को एक ब्लू टिक मार्क देखने को मिलता है, और जैसे ही मैसेजेस को पढ़ लिया जाता है तो जो है 2 ब्लू टिक मार्क्स आ जाते हैं।
लेकिन फ्रेंड्स इसके अलावा भी क्या आप लोगों को पता है कि आप जो है व्हाट्सएप के अंदर में भेजे गए मैसेजेस की जो है पूरा टाइमलाइन ब्रेकअप देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स किसी भी मैसेज की टाइमलाइन ब्रेकअप देखने के लिए आप सिंपली मैसेज के ऊपर में टैप करके होल्ड कर लीजिए। इसके बाद में आपको इन्फो का एक बॉक्स देखने को मिलेगा, जैसे ही आप इन्फो के ऊपर में क्लिक करते हो आपको जो है पूरा टाइमलाइन ब्रेकअप मिल जाएगा, कब आपका मैसेजेस डिलीवर किया गया है और कब जो है रिसीवर ने आपका मैसेजेस को पढ़ा है। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम कस्टम नोटिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि व्हाट्सएप के अंदर में जैसे ही हम लोग को जितने भी मैसेजेस आते हैं सभी का नोटिफिकेशंस जो एक तरह होते हैं, इसमें से कई बार ऐसा होता है कि कुछ मैसेजेस जो है वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ मैसेजेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इतना ज्यादा मैसेजेस के चक्कर में हम लोग जो है देखना भूल जाते हैं या फिर किसी भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस को जो है मिस कर जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देता हूं कि व्हाट्सएप का सेटिंग्स के अंदर में आप लोगों को एक फीचर मिल जाता है जिसके जरिए आप किसी भी कॉन्टैक्ट्स या फिर किसी भी ग्रुप के लिए कस्टम नोटिफिकेशंस कस्टम रिंगटोन सेट कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो है आप वाइब्रेटिंग इंटेंसिटी को भी सेट कर सकते हैं और ये सुविधा जो है ये आपको एंड्रॉइड और iOS दोनों के अंदर में ही मिलता है। मतलब कि अगले बार से जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप मैसेजेस आएगा तो आप उसे मिस ना कर दे। यहाँ पे फ्रेंड्स अगला अननोन फैक्ट व्हाट्सएप के बारे में ये है कि व्हाट्सएप जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को सपोर्ट करता है। मतलब हम लोग जो है मैसेजेस जो व्हाट्सएप के अंदर में टाइप करते हैं वो सिंपल फॉर्मेट में जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ चीज जो है इंपॉर्टेंट है या फिर आप जो है मैसेजेस बोल्ड लेटर्स में टाइप करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली मैसेज के आगे और पीछे दोनों हिस्से जो है एक एस्ट्रिक्स लगा देना है। और अगर आप मैसेजेस जो है वो स्ट्राइक थ्रू वर्शन में भेजना चाहते हो तो यहाँ पे आपको मैसेजेस के आगे और पीछे में टाइल्स लगाना पड़ेगा। और अगर आप मैसेजेस इटैलिक्स फॉर्मेट में भेजना चाहते हो तो यहाँ पे आपको मैसेजेस के आगे और पीछे दोनों तरफ जो है एक अंडरस्कोर लगा देना है, बस मैसेज जो है तुरंत उसी फॉर्मेट में चला जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स अगला अननोन फैक्ट व्हाट्सएप के बारे में ये है कि व्हाट्सएप जो है किसी भी यूजर का कोई भी डेटा को स्टोर नहीं करता है। मतलब जैसे कि हम लोग का फेसबुक मैसेंजर हो गया या फिर स्काइप हो गया या फिर जितने भी सारे सोशल मीडिया एप्स है ये सभी जो है यूजर के डेटा को अपना सर्वर के अंदर में स्टोर करता है, लेकिन व्हाट्सएप जो है किसी भी आदमी का कोई भी मैसेजेस को स्टोर नहीं करता है। जैसे ही आपका मैसेजेस डिलीवर हो जाता है व्हाट्सएप के सर्वर में कुछ नहीं रहता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हो और अगर आप व्हाट्सएप के मैसेजेस को रिस्टोर या फिर बैकअप करना चाहते हो तो आपको जो है एंड्रॉइड के अंदर में गूगल ड्राइव इस्तेमाल करना पड़ेगा और iOS के लिए आपको iCloud इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स लास्ट अननोन फैक्ट व्हाट्सएप के बारे में ये है कि व्हाट्सएप जो है वो 256 बिट एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। मतलब व्हाट्सएप के ऊपर में जितने भी सारे मैसेजेस को भेजा जाता है वो शुरू से लेके एंड तक 256 बिट एन्क्रिप्टेड है। मतलब अगर कोई भी हैकर चाहे कि वो आपके मैसेजेस को हैक करेगा तो यहाँ पे उतना आसान बात नहीं है बल्कि नामुमकिन सी बात है। और फ्रेंड्स यहाँ पे व्हाट्सएप जो है सिर्फ यही नहीं बल्कि शुरू से जो है गवर्नमेंट गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो करते आए हैं और इसीलिए अगर गवर्नमेंट भी चाहे तो आपके व्हाट्सएप मैसेजेस को इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स यही थी व्हाट्सएप के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए और हो सके तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोजाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूं। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस।